नोकिया मदर कंपनी HMD ग्लोबल रिसेंटली लॉन्च किया है अपना नया फीचर फोन 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक 2020। लेकिन 2007 में नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक लॉन्च हुआ था, तो नोकिया को ऐसा क्या जरूरत पड़ा इस 2020 में नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक को रिबूट करना या रिलॉन्च करना। तो ऐसे कुछ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, फीचर स्पेसिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन में ऐसे कुछ डिफरेंस है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये एक सीधा सीधा कंपेयर वीडियो होने वाला है दोस्तों ओल्ड नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक के साथ नए नोकिया 5310 2020 एक्सप्रेस म्यूजिक के। तो इस टॉपिक में दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखें। तो नो मोर वेस्ट ऑफ टाइम, फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेता हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो मैं कहता हूं, हाय दोस्तों, आप है चैनल सेक्टर 55 में, मैं हूं रशीद। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग सा देखते हैं, इंटरेस्टिंग सा सीखते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले ही आप देख ले इसका बॉडी और डिस्प्ले डिफरेंस। तो स्क्रीन में आप देख सकते हैं बॉडी डायमेंशन डिफरेंस जो आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है न्यू नोकिया 5310 2020 में, थोड़ा सा कम है ओल्ड नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक में। डिस्प्ले टाइप की अगर बात करें तो आपको TFT डिस्प्ले ओल्ड नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक में मिलेगा, नए वाले में आपको QVGA डिस्प्ले मिल रहा है। डिस्प्ले साइज आप यहां देख ले, 2.1 इंचेस का डिस्प्ले ओल्ड नोकिया 5310 में आपको मिल रहा है और नए नोकिया 5310 में आपको 2.4 इंचेस का मिल रहा है। अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो दोनों में ही आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेमोरी, कैमरा और प्रोसेसर की। तो यह नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक जो ओल्ड वर्जन है वह आपको 30 MB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, नए वाले में आपको सिर्फ 16 MB का इंटरनल स्टोरेज मिलने वाले हैं और रैम वेरिएंट इसका 8 MB का होने वाले हैं। पुराने वाले एक्सपीरियंस म्यूजिक में कितना रैम दिया गया है अभी तक पता नहीं है। कॉल रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज आपको दोनों में ही मिल जाएगा और यहाँ आपको एक डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट मिलेगा। आप पुराने वाले में माइक्रो SD को चला सकते हैं, नए वाले नोकिया 5310 में माइक्रो SD HC ऑप्शन मिल जाएगा। ये अपग्रेडेड वर्जन है माइक्रो SD का। अब नए नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक और पुराने 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक में दोनों में ही आपको सेम टू सेम कैमरा मिल जाएगा। रियर साइड में विथ LED आपको 2 MP का कैमरा मिल रहा है। अब नए नोकिया 5310 2020 में आपको MediaTek MT6260A प्रोसेसर मिल रहा है। पुराने वाले नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक में कौन सा प्रोसेसर दिया गया है अभी तक पता नहीं है। साउंड और कनेक्टिविटी की बात करें तो पुराने और नए नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक दोनों में ही आपको लाउड स्पीकर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है न्यू नोकिया 5310 2020 का। यह आपको फ्रंट फेसिंग डुअल स्पीकर मिल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको लाउड स्पीकर ऑप्शन मिल रहा था नोकिया 5310 में। 3.5 mm ऑडियो जैक आपको दोनों में ही मिल रहा है, दोनों में ही डेडिकेटेड म्यूजिक की बटन आपको मिल रहा है। कनेक्टिविटी में आपको LAN कनेक्शन दोनों में ही नहीं मिलेगा। ब्लूटूथ वर्जन में थोड़ा सा डिफरेंस है, पुराने वाले में 2.0 का है, नए वाले में 3.0 का। GPS आपको दोनों में ही नहीं मिलेगा। रेडियो ऑप्शन में पुराने वाले थोड़ा सा अपडेटेड है, स्टीरियो FM RDS के साथ आपको मिल रहा है, लेकिन नए वाले में आपको सिंपली FM रेडियो दिया गया है। USB स्टोरेज की अगर बात करें तो माइक्रो USB 2.0 का सपोर्टेबिलिटी आपको पुराने वाले नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक में मिलने वाले हैं, लेकिन नए नोकिया 5310 2020 में माइक्रो USB 1.1 का सपोर्टेबिलिटी मिलेगा। अब और कुछ फीचर्स जो आपको जान लेना चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हिडन भी, जैसे कि मैसेजिंग सर्विस में आपको SMS, MMS, ईमेल और इंटरनेट मैसेजिंग मिलने वाले हैं। सेम टू सेम फीचर्स आपको नए वाले में भी दिया जा रहा है। ब्राउजर की अगर बात करें तो पुराने वाले में ऑफर मिनी दिया जा रहा था, नए वाले में आपको फायरफॉक्स देखने को मिल जाएगा। दोनों में ही आप गेम को चला सकते हैं। पहले वाले जावा सपोर्टेड एक फीचर फोन था, नए वाले में आपको जावा सपोर्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। यह ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सीरीज प्लस देखने को मिल जाएगा। अब कंपेयर कर लेते हैं दोस्तों नए और पुराने 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक के बैटरी स्टैंडबाय टाइम, टॉक टाइम, फिर कलर वेरिएंट और प्राइसिंग के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पुराने वाले नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक में आपको बैटरी सपोर्टेबिलिटी 860 mAh का मिल रहा है, थोड़ा सा कम है, लेकिन नए वाले नोकिया 5310 में 1200 mAh का मिल रहा है, लगभग डबल है। बैटरी स्टैंडबाय टाइम और टॉक टाइम पुराने वाले नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक की अगर बात करें तो यह आपको स्टैंडबाय टाइम 300 आवर तक मिलने वाले हैं और टॉक टाइम आपको 6 आवर तक मिलने वाले हैं। लेकिन न्यू नोकिया 5310 में बैटरी थोड़ा सा बड़ा है तो आपको स्टैंडबाय टाइम ज्यादा मिल रहा है 720 hours का और टॉक टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है 8 hours का। ओल्ड नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक आपको 4 कलर वेरियंट में मिलता था, रेड, ब्लू, पिंक और ब्लैक, और नए वाले नोकिया 5310 आपको मल्टी कलर में देखने को मिलेगा दोस्तों, व्हाइट विथ रेड और ब्लैक विथ रेड।
अब आखिर में दोस्तों प्राइसिंग की अगर बात करें तो नोकिया 5310 ओल्ड यूरो प्राइस में जब 2007 में लॉन्च हुआ था उसका प्राइस था 100 यूरोस, लेकिन दोस्तों 2020 में नोकिया 5310 2020 एक्सप्रेस म्यूजिक लॉन्च हो रहा है 39 यूरोस में, जो अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो 3115 इस तरह का एक डिजिट निकलता है। तो आखिर में दोस्तों न्यू नोकिया 5310 2020 एक्सप्रेस म्यूजिक के साथ ओल्ड नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक का ये कंपेयर वीडियो का जो जिस्ट है, ऐसा ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, आपको ब्लूटूथ वर्जन थोड़ा सा अपडेटेड मिल रहा है, यूएसबी पोर्ट और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ देखने को मिल रहा है, और जो इंटरनल स्टोरेज है यह डाउनग्रेड है, नए में पुराने में थोड़ा सा अपग्रेडेड है, और माइक्रो एसडी सपोर्टेबिलिटी थोड़ा सा आपको एडवांस मिल रहा है, और बैटरी थोड़ा सा बड़ा और लुक थोड़ा सा अलग है, और ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो होप दोस्तों न्यू नोकिया 5310 2020 एक्सप्रेस म्यूजिक के साथ ओल्ड नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक का ये कंपेयर वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहा होगा। अगर है तो किसी सोशल प्लेटफॉर्म में इसको जरूर शेयर करें। तो यहीं पे खत्म करूंगा, और जाते जाते जो मैं कहता हूं, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, ना लगे तो डिसलाइक, पास में देखिए घंटा बटन है उसको दबाइए, नीचे कमेंट सेक्शन है, इस वीडियो के बारे में जरूर कुछ ओपिनियन दे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए भाई, इस तरह का इन्फॉर्मेशन लेके और कोई दिन और कोई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। चलिए भाई।